दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में राजस्थान के बल्लेबाजों ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की कि दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली की टीम राजस्थान रॉयल्स के दो खतरनाक बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक हो गई और दोनों बल्लेबाजों ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की कि दिल्ली के गेंदबाजों को पानी मांगना पड़ा। दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन है वो दो बल्लेबाज जिसके सामने दिल्ली की पूरी टीम नतमस्तक हो गई। लेकिन दोस्तों वो सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। दिल्ली का ये फैसला गलत होता नजर आ रहा है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 193 के स्ट्राइक रेट से 31 गेंद में 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं यशस्वी का साथ देते हुए स्टार बल्लेबाज जॉश बटलर ने 154 की स्ट्राइक रेट से 51 गेंद में 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों सिमरन हेटमायर ने भी 21 गेंद में 39 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने इन तीनों बल्लेबाजों की मदद से 20 ओवर में 199 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स इस रन को चेस कर पाएगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।